जो मॉडर्न किचन बनती है उसके अंदर होता क्या है कि पहले हम जो ये वुडन फ्रेम्स होते हैं, नीचे हमारे जो स्टैंडर्ड साइज रहेगा या फिर जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड साइज में कुछ जो हम टचअप कर सकते हैं वो करके हम पहले ही इनको बना के रख लेते हैं। प्री कास्ट कर लिया हमने इनको, नीचे हमने देखिए ये लगा दिया, ये घूम सकता है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे चूड़ी लगी हुई है, ये घूम सकता है हाइट मैनेज करने के लिए। एक यहाँ लगा है तो एक यहाँ लगाता है, इससे हाइट मैनेज हो जाती है कि भाई जब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो ऊपर नीचे भी तो करना पड़ेगा थोड़ा कहीं ना कहीं से। तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक कॉर्नर पे लग जाएगा ऐसे ही सेम। सॉरी, ये सिर्फ एक अकेला बना है, फिर एक यहाँ लग गया तो एक उसके कॉर्नर पे लग गया, एक यहाँ लग गया तो फिर एक इसके कॉर्नर पे लग गया। फिर ये जब हम कर देते हैं तब हम स्लैब डालते हैं अपनी, ग्रेनाइट की स्लैब डाल दी हमने। ये यहाँ पे हमारा वर्क नहीं हुआ, बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ। अब इस वर्क को करने के लिए करेंगे क्या, हमारे इस फ्लैट में हमने पहले से ये प्री कास्ट कर रखे हैं, देखिए कास्ट हो चुके हैं। जैसे हमारा साइज है उस हिसाब से हमने ये बॉक्सेस प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, साइज के हिसाब से ये बन जाएगा। अब इसके ऊपर स्लैब रखी जाएगी, केमिकल यूज करेंगे हम, स्लैब इस वुड के ऊपर केमिकल लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से ग्रेनाइट पत्थर रख देंगे। वो ग्रेनाइट पत्थर उस केमिकल से अच्छे से चिपक जाएगा इस वुड के ऊपर। ये हमारी मॉडर्न किचन होगी। इसमें क्या होता है कि हमें स्लैब नहीं उठानी, स्लैब के ऊपर ग्रेनाइट पत्थर नहीं रखना। स्लैब उठाएंगे तो हमारे नीचे ये जैसे यहाँ पर इतने चार इंची की दीवार, चार इंची की वॉल इतनी आएगी स्लैब की हाइट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इससे क्या होता है हमारा जो बॉक्स होता है उसका जो ये यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्स का यहाँ से लेके जो डायमीटर ये जो लेंथ है इसकी ये छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिक आ गई तो वेस्टेज है। आपके वुडन वर्क के ऊपर स्लैब रख दोगे केमिकल से तो ये आपकी स्लैब चिपक गई है। यहाँ पे हमारा डोर आएगा, यहाँ डोर आएगा, यहाँ डोर आएगा, तो इसकी हमने थिकनेस ज्यादा दे दिया एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे डोर आएगा, प्रैक्टिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली सारा बता दिया मैंने आपको, थ्योरेटिकली ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डोर होल्डर जो होते हैं हमारे वो इनसाइड लग जाते हैं वुड के, तो यहाँ पे भी डोर आएगा पर वो लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग दो डोर आएंगे, यहाँ पे एक डोर यहाँ से आएगा, एक डोर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे डोर नहीं आएगा, यहाँ पे स्लाइडिंग आएंगे, यहाँ पे स्लाइडिंग आएगा, यहाँ स्लाइडिंग आएगा, यहाँ स्लाइडिंग आएगा, यहाँ पे डोर बन जाएगा, इधर डोर बन जाएगा, यहाँ पे भी डोर लग जाएगा या स्लाइडिंग ही लगेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लेंथ पे स्लाइडिंग हो जाएगी।